बिल्कुल इस कुछ मौजूद हाँ दुल्लर शरीफ ले वो यार हवाले रब आज उन्होंने नमाज जनाजा आया तूने कौन किसाए ओ ले वो यार हवाले रब दे टूर गए हुए साढ़े सरकार दुल्लर शरीफ वाले नमाज जनाजा अदा हो गया प्यो मरे घर बेला जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूं सारे ठीक ठाक हो सो आज एक नई वीडियो हाजिर है मैं सना मेजबान चौधरी मंसूर जट जी नाज़रीन बिल्कुल इस कदम मौजूद हाँ दुल्लर शरीफ ने एरिया से पता हजरत मियां आफ्ताब आलम साहब इस दुनिया तो पर्दा फरमाई गए सन बरोज जुमा तो अज बरोज इतवार है अज उन्होंने नमाज जनाजा है अज तुम्हें नमाज जनाजा दसा जे सारे चैनल पर नए आए चैनल की जरूर सब्सक्राइब करें नवे नवे वीडियो सुनते मैं लभ जाकर सुन तक सकने काफ़ी रश पाया बंदे इशने जाने लगे तकरीबन जनाजा उन्होंने दिन अज 11 बजे आया तकरीबन पूरी कवरेज कर सा जितना हो सकता और तुम वीडियो पेश कर सा तो पूरी अजय वीडियो तके ताजे तुम की सारी वीडियो में मलमत हो जाए दुनिया है डाडी असी मारे टुर गए हो यार विछोड़ा देकर ना हूँ जिंदे ना मरदे टुर गए हो साढ़े सरकार दुल्लर शरीफ वाले तो तक सकने मौसम काफ़ी खूबसूरत हो गया चढ़ पी गया तो को अल्लाह ने वली की ने करामत रहे सन तो इन्होंने वसाजत नाल इन्होंने तफैल तो सकने उन्हें रूह नाल चढ़ पी गया उम्मीद करने तुसा वीडियो पूरी तक सो अज वीडियो लास्ट तक तुम जरूर तकनी है हवाले रब दे मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे फजल तेरे नदी लोहे कर दे फटिया दे संग रल के कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद चंगिया दे संग लग के नाइक पल नहीं सी लंग दे ओ शकला याद न रहीया नमाज़ जनाज़ा की 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 नमाज़ जनाज़ा की
सोने नाल पीतल रल दे सोने नाल पीतल रल दे सुर में नाल लिखोले कावली की कदर मोहम्मद कावली की कदर मोहम्मद जिथे कोयल बोले नंबर 21 की आयत नंबर 35 है हर एक ने मौत का रायका चखना है जिस हस्ती के दरबार पर मैं जमा पाता हूँ मियां साहब फरमाते हैं कि जीवन जीवन मानी की कदर मोहम्मद जिथे कोयल बोले जीवन 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 झूठा नामा मौत खड़ी सिर उते लख करोड़ तेरे तो सो मोहम्मद बस ओयो खाने वटे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस संगत को सदा बहारें अता फरमाए आमीन और मियां साहब का साया तरह देर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने लैबी दस्त कुदरत से इस संगत के सर पे अता फरमाए आज खबर में मियां आसिफ साहब से चौधरी संदन साहब से और हमारे अजीज कासिम मजीद साहब तशरीफ फरमा है दीगर संगीत तशरीफ फरमा है और सही अली साहब हैं अली साहब हैं जितने संगत के यहाँ हाजिर हैं मियां बाबर साहब तशरीफ फरमा है सैयद उस्मान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि मर्द कलंदर मर्द वली मर्द दरवेश मर्द मजदूर की नमाज जनाजा में शरीक हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके फैजान से और आस्ताना अलिया दुलत शरीफ के फैजान से संगदी को लेकर शराकाए नमाज जनादा अल्लाह के जो वली है वो मरते नहीं है आप जिस हुजरा में जलवा आ रहते थे उस हुजरा की पेशानी पर मियां साहब का शेर लिखा हुआ है कि वली अल्लाह दे मरते नाई करदे पर्दा पोशी की होया दुनिया तो फिर के कायनात में जो भी आया उसे बिना असर मौत के रास्ते से गुजरना है हर एक ने मौत का रायका चखना है अल्लाह ने अपने नबी के लिए फरमाया सूरह ज़ुमर ये कुरान का सूरह नंबर 39 है आयत नंबर 30 का एक छोटा सा जुमला है इन्नका मय्यितुन ए नबी मौत
नहीं हो सकती, सदा बहार में सारे कभी ठिकान आवे, ओम सैद बदार पाऊ हर मुखा पल पावे। और इन कहनी एक क्रिटिकल आदमी गुजरा है पहले हदीस में अपने फिक्र का, उसने कहा कि कुछ अल्लाह के बनी जमीन पर ऐसे है विजादर हक का बिल हक के अल हक के माल हक के बिल हक, वो उनकी नजर तकदीर पर चल रही होती है, वो जब देखते हैं कि उनके मुरीद उनकी तकदीर में कसावट लिखी हुई है तो अल्लाह का बनी जब तमाम खुदा की कसम वो जमाने का ताजदार बना दिया गया, समाया वो बैठे हुए तो अपनी मशरफ पर बैठे हुए होते हैं, तुम उनको अपनी मशरफ पर बैठा हुआ देखते हो, लेकिन अगर निगाह उठा दें तो अर्श वाले हो जाते हैं। अल्लाह पाक सबकी हाजिरी में कबूल फरमाए। मैं तहे दिल से सजादा नशीन अस्ताना आलिया फरमान शरीफ की ने तरीकत राबर शरीयत पीर शरीयत शबी समुद्रम की बात हो रही है, फरमाया इनके हाथ उठाने से मैं तकदीरों को बदल दिया करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक सबकी हाजिर को कबूल और मकबूल फरमाए और यहाँ से कोई खाली ना जाए। खुदा की कसम जिसका दिल दुनिया के जंग से पाक है, कीना क्रोध और हसद से पाक है, वो यहाँ से खाली नहीं जाए। मैं किमरा मियां साहब के तरफ से सब अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ लाए इमामत के लिए, मुसल्ला इमामत में जलवा फितर है, ये वो हस्ती है जिसने हजरत कुदरतुल औलिया सिराज सालिकीन हजरत किमरा मियां मोहम्मद सुल्तान आले बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके लिए नमाज जनाजा पढ़ाने की उनको सादत नसीब है। दरबार आलिया खड़ी शरीफ की असीम जब जाए तो फिर दूसरी सफ आएगी। कहता हूँ इस पे अमल कीजिएगा, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, इस आस्ताने को अल्लाह आबाद और शाद रखे, उसके मानने वालों को अल्लाह कादम कियामत कायम और आबाद फरमाए। आज जो जुबानें सहाबा इकराम की शान में खुलती है, आज जो जुबानें अहले बैत अतहार की बारगाह में खुलती है, मौला उन्हें हिदायत अता फरमा, या अल्लाह हिदायत अता फरमा, करम फरमा, और या अल्लाह मियां साहब का हमें फजान अता फरमा, और या रब्बुल आलमीन हमें इस अकीदे पर कायम और दायम रख की मोहम्मद से वफातों में तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या वो कलम तेरे हैं, क्यों क्योंकि वो अपने नाम ले जाओ तो तनहा छोड़ते कब है, जहाँ कोई हम कम नहीं होता वहाँ मेरे सरकार होते हैं। बोला तमाम हाजरी की एक आजाद को पूरा फरमा, अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियों दूर फरमा, अल्लाह मियां साहब का वास्ता पेश करते हैं, इस आस्ताने का वास्ता पेश करते हैं, दुनिया में से इस वबाई मर्ज कोरोना वायरस से दूर फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मुकद्दरा कश्मीर और बैतुल मुकद्दस पर आजादी अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम के रिश्ते महबूब फरमा, रब्बुल आलमीन उनकी इज्जत और हुर्मत की खातिर हजरत सदीक अकबर और बिल खुसूस मौलाए हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला और जज्बा हुसैनी लेकर हमें मैदान में निकलने की तौफीक अता फरमा, रब्बुल आलमीन ताजदार खत्म नबूवत की इज्जत और हुर्मत और दीन इस्लाम के पैरेदार बना, करम फरमा कि हम हमारी हैसियत ये है, हमारा मुकाम ये है कि हमारा मुकाम कि हम पैगाम पहुंचाए खुदा पाक रसूलुल्लाह का। मौला साहबा ने दुनिया पर भी पुकारा और यही दर्श देकर के मेरे आका ने भी इशारा फरमाया, अलैकुम बिसुन्नत व सुन्नत अल खुलफा अर राशिदीन, आपका ये वसीला था लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक लबैक ताज बारे खत्म नबूवत, रब्बा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउ अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। इस आस्थाने में और आने जाने में मियां साहब की बारगाह में ज़ियारत करने में हमसे कोई कोताही हुई हो तो मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता मुआफ़ फरमा, व सल्लल्लाहु अला हबीबिना मुहम्मद व सारे इजमाईन पर नाटक या हमरा अपनी अपनी सफर में खड़े रहे कमी अगर आपको लगा जी भी बयान मेहरबानी बरतना चाहे सफर को न तोड़े नजम और डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रखें, बयान मेहरबानी आप अखबार से गुजारिश है कि दाएं तरफ से एक एक करके बंदा आए इंतजामिया से तावन करें। जी नाजरीन सुनते की सकनी हो नमाज जनाजा अदा करी खड़े सुनते की सकनी हो
हजरत मियाँ आफ्ताब आलम साहब का नमाज जनाजा अदा हो गया। सुन तक कि सुनियो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की जनाजे नमाज जनाजे बहुत ज़्यादा है। सकनी सुन जी नाज़रीन तुसां नमाज जनाजा नी वीडियो तकी है, दुआ करे अल्लाह ताला इन्हें कि जन्नत आला मकाम अता फरमान। जितने मुसलमान इस दुनिया तो फौत हो गए अल्लाह ताला उन्हें कि जन्नत आला मकाम अता फरमाए, जेड़े बीमार ने अल्लाह ताला उन्हें शफा अता फरमाए, जेड़े बेरोज़गार ने अल्लाह ताला उन्हें कि हलाल रोज़ी कमाने तौफीक अता फरमाए। अच्छी अच्छी वीडियो तुम्हें लाने अगर सा अगर कोई भी यह जहाँ मामला होना आया असं तुम वीडियो लाने रहे हैं, जो बंद जरूर जो बंद ना आए जरूर सारे चैनल सब्सक्राइब करे अगर जिंदगी फाक जल्द की न्यू वीडियो।